ऑलराइट दोस्तों, तो आ चुका है हमारे पास दोस्तों एसुस की तरफ से ये न्यू लेटेस्ट स्मार्टफोन ROG 5। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं और इस फोन का वेट कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस फोन के साथ आया हुआ है ये एरो एक्टिव कूलर। चलिए इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं डिटेल में, दूंगा मेरे अपने फर्स्ट इंप्रेशंस, मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा। तो यह है दोस्तों एसुस ROG 5 का बॉक्स। और तो जैसे ही दोस्तों आप बॉक्स को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये एसुस की तरफ से ये स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, यू कैन सी। उसके बाद नेक्स्ट चीज दोस्तों आपको ये एसुस ROG 5 के लिए आपको कवर देखने को मिल जाता है जो कि सॉलिड है, प्लास्टिक का है, यू कैन सी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चीज बॉक्स में आपको ये एसुस ROG 5 स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। ये है एसुस ROG 5 का फर्स्ट लुक। और देखा जाए तो जो फर्स्ट लुक है दोस्तों वो सिमिलर है एसुस के ROG 3 के जैसा, लेकिन बहुत सारी चीजें न्यू भी है इस फोन में। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं बॉक्स में और क्या चीज है। ये एसुस का आपको चार्जर दे रखा है जो कि ऑफकोर्स एक फास्ट चार्जर है। एंड इसके अलावा आपको ये टाइप सी केबल मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बॉक्स में इतना ही है, चलिए इन सभी चीज को हम साइड रख लेते हैं और सीधा आते हैं दोस्तों एसुस ROG 5 पे। और इसके साथ ही दोस्तों गेमर्स के लिए एक ये कूल गैजेट भी मिलता है जिसका नाम है दोस्तों एरो एक्टिव कूलर। वेल दोस्तों ये काफी यूजफुल है और गेमर्स के लिए बड़ा ही काम आने वाला है। तो जैसे ही दोस्तों इस फोन से आप इस एरो एक्टिव कूलर को कनेक्ट कर देते हो तो इसमें जो फैन है दोस्तों वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड ये एक्चुअली में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। देखा जाए तो यस, ये फोन अगर आपका हीट होता है बैक साइड से तो ये डेफिनेटली इसे ठंडा कर देगा। चलिए इस बार दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन पार्ट से। और डिजाइन पार्ट में मैं कहूंगा अगर आपने एसुस का ROG Phone 3 देखा है तो शायद ये आपको कुछ वैसे ही याद दिलाएगा। और इस बार दोस्तों एसुस ROG 5 अगर आप इसके प्रोड्यूसर से कंपेयर करते हो तो ये थोड़ा सा लंबा है। ये जो फोन है दोस्तों आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, एक है स्ट्रॉन्ग व्हाइट और दूसरा है फैंटम ब्लैक विथ डॉट मैट्रिक्स डिजाइन। और अगर दोस्तों आप इसके फ्रंट साइड को देखोगे तो फ्रंट साइड भी दोस्तों ये आपको कुछ एसुस ROG Phone 3 की याद दिलाएगा। हाँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इस बार एसुस ROG 5 में जो बेजल्स है ना वो थोड़े से कम कर दिए गए हैं, विच इज गुड। फोन में आपको 6.78 इंच की एक AMOLED स्क्रीन दे रखी है जो आता है HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, 20.4:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, 144 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जो आपको डेफिनेटली एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। इसके अलावा फोन का जो डिस्प्ले है वो भी ब्राइट है, आपको 5 nits से लेके 800 nits की आपको पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। और हाँ दोस्तों, फ्रंट में आपको 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट मिलता है। और हम दोस्तों ड्रॉप टेस्ट ना करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यूजली दोस्तों फोन में अगर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे रखी है तो हम डेफिनेटली एक ड्रॉप टेस्ट करते हैं। चलिए करते हैं। और हम दोस्तों इस फोन को बेसिकली इस हाइट से गिराने वाले हैं, एंड आई डोंट थिंक सो दोस्तों इस हाइट पे कुछ होना चाहिए क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का सपोर्ट दे रखा है, तो ये हाइट मेरे ख्याल से नॉर्मल है। चलिए ड्रॉप करते हैं। गया भैया गया, लगता है गया। लेट्स सी, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, यू कैन सी। एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि विक्टर्स का सपोर्ट दे रखा है, यू कैन सी दोस्तों। एंड हाँ दोस्तों, एक चीज मैं भूल गया बताना आप लोगों को, फोन में आपको 300 Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो अगर आप गेमर हो, आपको एक फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो भैया इस फोन में आपको बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स मिलने वाला है। 300 Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है, विच इज वाओ। फोन का दोस्तों जो बैक साइड है ये ग्लास बैक है, एंड ये भी आता है दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, अगर आप बैक साइड में देखोगे तो फिंगरप्रिंट के जो दोस्तों निशान है वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जो देखने में काफी बेकार सा लगता है। तो हो सकता है कि दोस्तों आपको इस फोन को बार बार क्लीन करना पड़े। इसके अलावा फोन में आपको डुअल फ्रंट फेसिंग स्पीकर दे रखा है, एंड इसकी भी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा लाउड है। चलिए मैं आपको स्पीकर के साउंड टेस्ट की क्वालिटी चेक करवा देता हूं। ये 50% है। और ये 100% है।
यार देखा जाए तो स्पीकर जो साउंड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, काफी लाउड है एंड मैं कहूंगा क्लियर भी है। फोन में आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा दे रखा है, ट्रिपल कैमरा दे रखा है। और ये दोस्तों ये आता है सोनी के सेंसर्स के साथ। और देखा जाए तो यहाँ पर जनरली जितने भी गेमर्स होते हैं, ऑफकोर्स ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है, गेमर्स को टारगेट करने के लिए ये फोन बनाया गया है। तो यहाँ पर लोग जो भी गेमर्स होते हैं उनको कैमरे से इतना ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों फोन का जो कैमरा है वो काफी अच्छा है। इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगा, इतने अच्छा मतलब टॉप लेवल का कैमरा तो नहीं कहूंगा, बट यस मैं कहूंगा कि काफी अच्छा कैमरा है जो गेमर्स को पसंद आने वाला है। कभी कभी मुझे तो थोड़े से वियर्ड कलर देखने को मिले। फोन से आप 720p 1080p 4K 30 और 60 fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो और 8K तक भी आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps पे। इसके अलावा फ्रंट में आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है f2.75 अपर्चर के साथ। और ये रहे कुछ कैमरा सैंपल, एंड सच बताऊं तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे जो सेल्फी कैमरा है वो काफी बढ़िया लगे। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कनेक्टर और पोर्ट्स की, तो नीचे की साइड में आपको ये टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक मिल जाता है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर गेमर्स। एंड राइट हैंड साइड में आपको दोस्तों ये वॉल्यूम बटन मिल जाता है, पावर बटन मिल जाता है, और लेफ्ट हैंड में दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड में आपको ये कनेक्टर दे रखा है जिसकी मदद से बेसिकली दोस्तों आप इस एरो एक्टिव कूलर को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक आपके फोन को ठंडा भी करता है, साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं। और अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो ऑफकोर्स जब एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होता है तो उसमें जो हमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो एक फ्लैगशिप लेवल की चाहिए होती है। एंड यस दोस्तों एसुस ने हर साल की तरह इस बार भी दोस्तों इस फोन में आपको एक फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दिया है। फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर दे रखा है जो कि ऑफकोर्स एक 5G प्रोसेसर है। ये दोस्तों एक 5nm वाला प्रोसेसर है जो कि 2.84 GHz पे क्लॉक्ड है। और इसमें आपको जो GPU दे रखा है वो दे रखा है एड्रिनो का 660 GPU। और देखा जाए तो नो डाउट ये एक लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी आने वाली है। इनफैक्ट ये एक 5nm वाला प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आपको जो पावर एफिशिएंसी है वो भी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। सो यार अगर आप एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, आपको सिर्फ एक गेमिंग के लिए फोन चाहिए वो भी एक एंड्रॉयड फोन चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो दोस्तों ASUS ROG 5 से बेहतर अभी फिलहाल के लिए कोई आपको दूसरा 5G फोन गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप 60 FPS 120 FPS पे गेमिंग करना चाहते हो तो वो भी आप इस फोन में ईजिली कर सकते हो। और हाँ अगर गेमिंग करते वक्त दोस्तों जो फोन है वो हीट होता है तो इसके लिए दोस्तों फोन में आपको एरो एक्टिव कूलर भी दिया गया है जिसकी वजह से फोन ठंडा हो जाएगा। जनरली मैंने दोस्तों 5 से 10 मिनट के लिए गेम खेलते हैं तो ये फोन हीट नहीं करता, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एक हाई सेटिंग्स पे हाई गेम्स को खेलते हो तो शायद आपको थोड़ा सा हीट देखने को मिले। ये जो फोन है आपको दो रैम वेरिएंट में मिलेगा, एक है 8GB रैम 128GB स्टोरेज और दूसरा है 12GB रैम 256GB स्टोरेज। और इसमें दोस्तों आपको जो स्टोरेज टाइप दे रखा है वो है UFS 3.1 यानी कि लेटेस्ट है, एंड जो रैम टाइप है वो है दोस्तों LPDDR5 विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको जो रीड राइट स्पीड है, मल्टीटास्किंग है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से मिलने वाली है। रैम काफ़ी अच्छी है, लेटेस्ट रैम है, इनफैक्ट जो रीड राइट स्पीड है इससे जो परफॉर्मेंस है फ़ोन की वो और ज़्यादा हो जाती है। अब ये दोस्तों एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है तो ऑफ कोर्स इसमें एक हमें एक बिग बैटरी चाहिए होती है, तो इस फोन में आपको 6000mAh की बैटरी दे रखी है और साथ में बॉक्स में आपको 30W का मैक्स सपोर्ट चार्जर मिलता है। और जनरली देखा जाए तो 6000mAh की बैटरी काफी बड़ी होती है, लाइक हैवी यूसेज में भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इजिली दे देगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों यस ये एक 5G फोन है एंड फोन में आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, फेस अनलॉक फीचर हो गया और सारे जरूरी सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड ये फोन आता है दोस्तों एंड्रॉइड 11 के साथ जिसमें आपको ROG का UI मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स और मोड भी मिल जाते हैं, जैसे कि एयर ट्रिगर 5 इस बार आपको दिया गया है, लेटेस्ट गेम कूल 5 का आपको सपोर्ट दे रखा है, एंड इसके अलावा आपको एरो एक्टिव कूलर 5 दिया गया है, एक्स मोड एंड आर्मरी क्रिएट दिया गया है। ये जो वीडियो है दोस्तों मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूं तो प्राइसिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो जो प्राइसिंग है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगा। पहले को दोस्तों देखा जाए ओवरऑल अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं इस फोन के बारे में, तो जितना भी मैंने फोन को देखा है, जो भी इसमें फीचर्स आते हैं, जैसे भी स्पेक्स आते हैं, डेफिनेटली ये ASUS के तरफ से एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है और स्पेशली दोस्तों उन लोगों के लिए है जो फोन को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं, देन ये फोन
उन लोगों के लिए। बाकी दोस्तों कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो ऐसे फीचर्स आपको दूसरे स्मार्टफोन में थोड़े से बेहतर भी मिल जाते हैं, बट अगर आपको एक हाई एंड वाला स्मार्टफोन चाहिए स्पेशली गेमिंग के लिए देन डेफिनेटली आप इस फोन पे एक नज़र डाल सकते हो। एंड फर्स्ट इंप्रेशन है मुझे पसंद आया फोन के फीचर्स, फोन का लुक एंड इसके अलावा जो इसमें आपको परफॉर्मेंस मिलती है एंड भी और भी बहुत कुछ। वैसे दोस्तों आपको ये Asus ROG Phone 5 कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए हो, और मिलता हूं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।